मेरा अल्लाह तो मेरे दिल की सदा सुनता है। तभी हमने किया परेशानी में जब कोई नहीं सुनता है तो मेरा अल्लाह सुनता है। शरीयत में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद ने खुदाई की अजीब बात है। मोहम्मद ने खुदाई की फिर खुदा ने मुस्तफाई की। मोहम्मद ने खुदाई की मोहम्मद ने खुदाई की खुदा ने मुस्तफाई की। हैदर बाबा साहब और दो दो अशराफ यहाँ तशरीफ फरमा है और दोनों ही इज्जत मोहम्मद बतौर इस्लाम। मोहम्मद ने खुदाई की और खुदा ने मुस्तफाई की। मेरे शहर में मुझसे पूछा किसी ने कि ये कैसे हो गया कि मोहम्मद ने खुदाई की और खुदा ने मुस्तफाई की। खुदा का किरदार अलग है मुस्तफा का अलग है, ये कैसे बनी बात। तो अक्सर एक वाकया बयान किया जाता है ताइफ का, जब सरकार ताइफ गए हैं तबलीग के लिए। हमें हमारे बड़ों ने बताया कि सरकार पे पत्थर फेंके गए और भी बहुत कुछ जुल्म हुए जो मुनासिब नहीं है अपनी जबान से कहना, लेकिन जब ये सारे जुल्म हो गए अल्लाह ने जबरील को भेजा। बहुत समझने की बात है, मैं किस मकाम पर ले जाना चाह रहा हूँ आप सभी, क्योंकि आज बड़ी पाक रात है
ये जो महीना है इस महीने की सबसे में सारे महीने हैं रमजान सारे जितने हैं इसी महीने से जिब्रील आए और कहा कि या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता है कि अगर आप कहें तो ये जो दो पहाड़ हैं ताइफ के इनको आपस में मिला देंगे रेजा रेजा हो जाएंगे कीमा कीमा हो जाएगा जिन्होंने आपके लिए ये जुल्म किया गया ये किसने कहलवाया ये अल्लाह ने कहलवाया अब मुझे ये बताइए कि आलिमुल गैब कौन है अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार जवाब ये दे रहे हैं कि जिब्रील अल्लाह से ये कहो कि ये नहीं मानते इनकी औलादे मानेंगी जबकि तरतीब ये होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल को कहना चाहिए कि अल्लाह से कहो उन्होंने जुल्म किया है इनका खात्मा हो जाए तो जवाब अल्लाह की तरफ से आना चाहिए कि अभी ये नहीं मान रहा है मगर इनकी औलादे मानेंगी आप अपना काम करते रहे खुदा ने मुस्तफाई की मोहम्मद ने खुदाई की खुदा ने मुस्तफाई की कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या मोहम्मद ने खुदाई की खुदा ने मुस्तफाई की कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने कोई हद है उनके उरूज की कोई समझे तो कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने तो सिर्फ क्या बयान हो उनके उरूज की अरशे अला पे उनके सिवा कौन जा सके कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने कोई समझे तो क्या समझे कोई जाने तो क्या जाने सिवाय इसके जो हम तक आप तक पहुंच गए ये सच है कि तगय्युर दुनिया खुदा से है ये सच है तगय्युर दुनिया खुदा से है लेकिन ये फकत मुस्तफा से है ये दिल जैसे वाले आका आका मोहम्मद खाली कमली वाले
सरकार नहीं है, काफिर है जो ये कहते हैं सरकार नहीं है, काफिर है जो ये कहते हैं जी सरकार नहीं है। अरे कुरान कह रहा है मोहम्मद हया करे, मोहम्मद खाली कमली वाले आका, मोहम्मद खाली कमली वाले आका, मोहम्मद खाली कमली वाले आका, मोहम्मद खाली कमली वाले आका। रहे जो ये कहते हैं सरकार नहीं है, काफी है जो ये कहते हैं सरकार नहीं है। तेरी सुल्फों पर सफेद है, तेरी सुल्फों पर सफेद है, तेरा चेहरा बदरे मुनीर है, तेरा चेहरा बदरे मुनीर है, तेरे सदके जाऊं मैं या नबी, तेरे सदके जाऊं मेरा नबी, अरे तू हबीब रहा आका, हम पर खाली कमली वाले आका, आका
मेरे मजलिस खुदा को मेरे मजलिस खुदा को मेरे मजलिस खुदा को
مجلس خدا خود پیرو مجلس اے صدر ایمان رسول بے شک بس میں انبیاء اے صدر ایمان رسول بے شک بس میں انبیاء خورشید برج سلطنت شمشید دشت کبریا تیرا حسین حسین Yeah.
सारे मोहम्मद यूसुफ से देख ले रुखसार मोहम्मद सुलेखा जिस पर आशिक हो सुलेखा जिस पर आशिक हो उसे सब यूसुफ कहते हैं उसे सब यूसुफ कहते हैं सुलेखा जिस पर आशिक हो उसे सब यूसुफ कहते हैं जिस पर आशिक हो उसे सब यूसुफ कहते हैं खुदा जिस पर हो आशिक उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं तेरा उसी तरह मुझे मोहब्बत मिलती है सादर बाबा से हैदर बाबा से हमारे रशीद भाई सदर बैठे हैं अशफाक भाई रशीद भाई से और तमाम लोग दीगर और कुछ चेहरे आज ऐसे भी हैं जिनसे मेरी पहली मुलाकात है ऐसे भी लोग यहाँ तशरीफ फरमाए चार मिसरे उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए नजर कर रहा हूँ सूर बकरा जहाँ से शुरू होती है वो है अलीफ लाम मीम इसमें उलमाओं का कहना है कि ये वो हर्फ हैं और इस जैसे कई हर्फ हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता और मेरा दावा ये नहीं है कि मुझे पता मुझे भी नहीं पता ये भेद है हश्र के दिन खुलेगा कि ये क्या है लेकिन एक आशिक रसूल वो अलीफ लाम और मीम पर खड़ा है इससे आगे नहीं बढ़ रहा वो ये कह रहा है कि ये है क्या अब ये जिसने लिखा है उससे ही पूछ रहे हैं क्या एक सवाल है और ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है इस पर ईमान है ना एक आशिक रसूल एक दीवाना सवाल कर रहा है इश्क की रोशनी में इल्म रोशनी में नहीं इश्क की रोशनी में वो सवाल कर रहा है वो सवाल क्या कर रहा है मेरे मौला जरा ये तो बता मेरे मौला क्या बता अलिफ किसका है लाम किसका है 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 मीम वाला मकाम किसका है मीम वाला मकाम किसका है मीम वाला मकाम किसका है किसका है नाम किसका है मीम वाला मकाम किसका है
है तरुण दयाल मोहब्बत की ये फजीलत है।
का शरीक भी इसमें शरीक होता है तेरा। शरीयत उनके घर की है, तरीकत उनके घर की है, तरीकत उनके घर की है, वलायत उनके घर की है, वलायत उनके घर की है, हिदायत उनके घर की है, हिदायत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शहादत उनके घर की है, शहादत उनके घर की है, शुजात उनके घर की है, शुजात उनके घर की है, गुनाहगारों को बख्शना उनके घर की है जिसकी कोई मिसाल है, नहीं जिसकी कोई मिसाल है, नहीं जिसकी कोई मिसाल है, दिया मना का बुलाल
उसकी किताब तो